हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोविड-19 यानी कि कोरोना के वैक्सीन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा जिससे आप रजिस्टर करके अपने आप को इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोग्य सेतु जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करोगे तो देखोगे यहाँ पे लिखा है ऊपर योर स्टेटस कोविड अपडेट वैक्सीनेशन, तो आपको वैक्सीनेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप वैक्सीनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैंने नंबर छिपा दिया है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। आप अपना नंबर यहाँ पर डाल देना। नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है यानी कि डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई। जैसे ही प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे आप आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको रजिस्टर करना है, तो पहले सेलेक्ट लिख के आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो बेस्ट रहेगा वो आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोटो आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं डेमो के लिए एक कुछ भी ऐसा आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, बाद में मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही डेमो के लिए एक आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया है। फिर आपसे बेनिफिशियरी नेम एज़ पर फोटो आईडी कार्ड, तो जो भी आपका आधार में जैसा नाम रहेगा वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मेरा नाम अविनाश मिश्रा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है मेल फीमेल, तो अगर आप मेल रहोगे तो मेल पर क्लिक करना है, फीमेल के लिए कर रहे हैं तो फीमेल पर, तो ठीक है मैं मेल हूँ तो मेल पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आप आधार कार्ड पे देखोगे तो आपका बर्थ का जो ईयर रहेगा, जिस साल आप पैदा हुए रहोगे वो डालना होता है। तो मैं 1992 में पैदा हुआ, तो यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, जिससे कि आपको एक मैसेज आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे, अभी आपका रजिस्टर हुआ है, अभी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तभी आपको क्या होगा, वैक्सीनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या करना रहेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा, यूज़र कैन रजिस्टर मैक्सिमम 4 बेनिफिशियरीज, यानी कि एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों को आप रजिस्टर कर सकते हो। और एक्स्ट्रा करना रहेगा तो उसके लिए आपको दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एक्शन लिखा है, एक्शन के नीचे कैलेंडर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पिन कोड मांगा जाएगा, तो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के पिन कोड डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिन कोड डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे देखो डेट दिख रहा है, अगर डेट पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर आता है, जिस तारीख को आपको वैक्सीनेशन कराना है वो चॉइस कर सकते हो। मैं मान लेते हैं 30 तारीख को कराना है, तो 30 तारीख मैंने यहाँ पे चॉइस कर लिया। फिर फ्री और पेड लिखा है, तो आपको फ्री में लगवाना है तो फ्री पे करोगे, अगर आपको पेड यानी पैसे देके करवाना है तो पैसे देके कर सकते हो। तो फ्री पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ सेंटर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो लिखा रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर फाउंड, यानी कि जिस एरिया का मैं पिन कोड डाला हूँ वहाँ पे अभी मतलब वैक्सीनेशन चालू नहीं है। अगर आप अपने एरिया का डालोगे तो वहाँ पे जो भी आपका सेंटर रहेगा, यानी जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन होता रहेगा वहाँ का आपको आ जाएगा। आप उसमें से सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके नियरेस्ट रहेगा घर के आजू बाजू में वो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एज पूछेगा 18+ या 45+। अगर आपका एज जो रहेगा 18+ रहेगा तो उस पर क्लिक कर लेना, 45+ रहेगा तो उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, टाइमिंग पूछा जाएगा साइड में, उस टाइमिंग पे मतलब कितने बजे आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, कंफर्म करना रहेगा, ओके कर दोगे तो आपका उस दिन क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिस पे कोड होता है, वो वहाँ सेंटर पे जाने के बाद आपको मैसेज दिखाना होता है और वो कोड बताना होता है। तो याद रखना कि आपको
सेंटर पे अपना मोबाइल लेके जाना है, वहाँ पे आपको मैसेज दिखाना है। मैसेज दिखाओगे तो वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद वहाँ पे एक मैसेज में कोड आया रहेगा, वो कोड बताना पड़ेगा। वो कोड बताने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा वैसे ही आपको वहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको वहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल या मैसेज लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।